हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आइए बा बच्चों के बच्चे, हम गाएंगे आपको ईद उल जुहा पर निबंध हिंदी में, मतलब के बकरा ईद पर निबंध गवाएंगे आप आपको हिंदी में। उस पर आप ध्यान दें, हम आपकी वीडियो आप देखते रहें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चाहे उस पर बटन दबा बटन आगे साइड से लगा बटन दबा लीजिए, उस बेलाइकन दबा दबा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो तो जो पहुँचते होते। बच्चों ध्यान दिए, हम गवाते हैं आपको ईद उल जुहा पर ऐसे, मतलब बकरा ईद पर निबंध हिंदी में, निबंध को बोलते हैं इंग्लिश में ऐसे। ओके, ये हिंदी का वाले स्टार्ट देखिए। ईद उल जुहा का इस्लामिक धर्म में बहुत बहुत महत्व है। इसे बकरा भी कहा जाता है। इस भव्य त्योहार को सभी बड़े प्रेम से मनाते हैं। इस त्योहार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये त्योहार भाई चारे और एकता का प्रतीक है। इस दिन सभी लोग प्रातः काल मतलब सुबह प्रातः काल उठकर नए कपड़े पहनकर सुबह ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और एक दूसरे के गले
एक दूसरे गले मिलकर। भाई चारा बढ़ाते हैं, इस्लामिक मान्यता के अनुसार, मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र को जीवन दान दे दिया जिसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। तो बच्चों आया ध्यान में, इस शब्द का बकरों से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, नहीं ये उर्दू का शब्द है। असल में अरबी में बकर का अर्थ है बड़ा जानवर जो ज़िबह किया मतलब के काटा जाता है। तो बच्चों उसी से बिगड़कर आज भारत पाकिस्तान व बांग्लादेश में इसे बकरा ईद बोलते हैं। ओके बच्चों।